द स्टूडियो मेंबर्स, महानगर गैस लिमिटेड MGL को आज के दिन हमने ट्रेड किया था एंड इसके अंदर हमने जो अपनी पोजीशंस वगैरह ली थी 830.50 पर हमने शॉर्ट सेलिंग की थी। ऑर्डर बुक भी ओपन कर लेते हैं सीधे से। सो पोजीशन बुक में आप देख सकते हैं 11,969 रुपीज़ का प्रॉफिट लगभग हुआ था एंड ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं टोटल जो क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पर की थी अपनी एक्टिव की थी 850 क्वांटिटीज़ के साथ ये ट्रेड हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया था। एंड जो एग्जिट करते वक्त यहाँ पर कुछ एक इशू हुआ था जिसकी वजह से हमने क्या किया था 272 क्वांटिटीज़ 816.05 पर निकल गई थी एंड इसके बाद की 578 क्वांटिटीज़ को हमने 816.65 पर निकाला। बट जितनी भी क्वांटिटीज़ थी ये सारी की सारी निकल गई। हाँ, जो एग्जिट का स्क्वायर 4 ऑर्डर हमारे लगे हुए हैं जिसमें से एक ऑर्डर मेरा एक्स्ट्रा है एंड एक ठीक ठाक प्रॉफिट और एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमको हमारा आज के दिन 11,000 रुपीज़ के लगभग मिला। पूरे दिन मार्केट साइडवेज पड़ी रही है, लग नहीं रहा था कि हमको मूव मिलेगा, लेकिन लास्ट टाइम जो निफ्टी ने जिस तरह के मूव्स दिखाए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, एक चीज़ अभी से हम बोल रहे हैं आज शाम तक देखिएगा कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगी। मार्केट में यही होता है, काम पहले हो चुका होता है और उसके बाद में न्यूज़ आती है। मार्केट ये इतनी गिरी है, उसके एक दिन पहले भी मार्केट ने करीब 1.5% ज़्यादा का ही गैप डाउन दिया था, 1.5% के लगभग गैप डाउन दिया था और आज मार्केट इतनी गिरी है। देखिएगा आज शाम तक नहीं तो कल तक कोई न्यूज़ आ सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कैसे भी तो चांसेस हैं। हमको ऐसा लग रहा है, मेरा सेंस बोल रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आ सकती है। दूसरा, MGL को अगर हम लोग रीड करें, MGL को अगर हम देखें तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और हायर टाइम फ्रेम, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स रनिंग ट्रेड की मेरे पास हैं जो कि भी थोड़ी देर में आपको हम शो कर देंगे। सो जब हमारा ये ट्रेड पूरा का पूरा चल रहा था, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग सबसे पहले करते हैं कि जितनी भी हमारी मार्किंग्स हैं इनको सबको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारे लिए यहाँ पर जो ज़रूरी है, हम हायर टाइम फ्रेम की एक इंपॉर्टेंट कैंडल को देखेंगे और वहाँ से प्राइस को रीड करेंगे। ये याद रखिएगा, हमारा काम होगा एक इंपॉर्टेंट कैंडल को फाइंड करना और वहाँ से प्राइस को रीड करना। ये मेरी आज की मास्टर कैंडल है, यही सिग्निफिकेशन है आज का। प्राइस के अंदर बने रहना, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्राइस के अंदर बने रहना सीख लिया तो प्रॉफिट होने लगेगा आपको प्राइस के अंदर। जैसे कि आज के इस MGL के अंदर आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, ट्रेड के अंदर बने रहना। पूरे दिन मार्केट साइडवेज, करीब 5,000 या 7,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा देने के बाद में हम 1,500 रुपये उसमें चले गए थे, 1,500 के प्रॉफिट में चले गए थे, मतलब टोटल 5,000 का प्रॉफिट हमारा लेस हो गया था, माइनस हो गया था। उसके बाद भी हम ट्रेड के अंदर बने रहे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेड के अंदर बने रहिए और उसको होल्ड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रॉफिट्स होने लगेंगे। लॉसेस के डर से बाहर निकल जाना, प्रॉफिट कम हो गया जल्दी से बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है चलो लेकर के बाहर निकल जाते, ये नहीं। टारगेट तो टारगेट, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, वो कभी डर से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा खुशी से बाहर नहीं निकल जाएगा। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कैंडल में फाइंड की, वो 7th अप्रैल की कैंडल थी। सिंपल देखिए, बिल्कुल कुछ भी हमें नहीं करना है। प्राइस के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके ऊपर देखिए प्राइस नहीं मेरा जा पा रहा है। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा रहा है, मार्केट ने एक गैप अप किया और गैप अप कर देने के बाद में वापस से प्राइस मेरी रेंज के अंदर आ गया, मतलब प्राइस अपनी इस इंपॉर्टेंट रेंज को छोड़ नहीं पा रहा है, इस कैंडल को छोड़ नहीं पा रहा है। और लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहा है हमारा, ये वाला और आज का ट्रेडिंग सेशन, दोनों में ही प्राइस ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। आप देखोगे कि मार्केट जो गिरी है इतने दिन से, MGL जो गिर रहा है 835 से ही ये डाउन साइड की तरफ गिर रहा है। सिंपल चीज़ के अंदर कुछ भी हमने नहीं लगाया है, कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत गूढ़ है या बहुत हार्ड है। एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड करिए, उसके बाद में प्राइस को रीड करिए, देखिए क्या होता है। फिर से बहुत सिंपल चीज़ है, प्राइस अपनी इस रेंज के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, बार बार अपने इस रेजिस्टेंस को ले रहा है और यहीं सी रेजिस्टेंस से प्राइस हमारा नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे गिर गया प्राइस। यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आई थी, बट वॉल्यूम्स जब आप देखोगे ना, देखिए वॉल्यूम्स, देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ी हैं। अब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स के बाद अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो यहाँ से फिर ये ऊपर चली जाए, वॉल्यूम्स भी आई हैं बट अगेन प्राइस हमारा नीचे की तरफ ही आ गया है, मतलब अपनी 7th अप्रैल की रेंज के अंदर आ गया और उसके बाद में फिर से 7th अप्रैल की हाई से रिजेक्ट होने लगा, यहीं से गिरा। परफेक्ट, अब हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। अब लोअर टाइम फ्रेम पर हमें चाहिए इसके अंदर एक एंट्री, प्राइस इतने दिन से जो मेरा गिर रहा है तो व्यू तो हम इसके अंदर शॉर्ट कर रखेंगे, ये चीज़ तय है। प्राइस अगर बाहर निकलेगा तो जाने दीजिए उसको, जा रहा है उसको जाने दीजिए, लेकिन प्राइस इतने दिन से रिजेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि प्राइस हमारे रेजिस्टेंस पर है। अब अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है, अगर इसको स्ट्रांग होना है तो इसको क्या करना होगा, डाउन
अप डाउन उसको ऊपर की दिशा में जाना होगा। बट प्राइस ने क्या किया है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मॉर्निंग में 9:15 की कैंडल उसी ने रिजेक्शन दिखा दिया डाउन साइड की तरफ विद वॉल्यूम। एमजीएल के अंदर प्रीवियस 2 डेज से ज्यादा की वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हुआ है आज, जिस वजह से हमने एमजीएल को ट्रेड किया। अब यहां से देखिए मार्केट ने क्या किया है, एक हैवी वॉल्यूम तो आई है, वॉल्यूम्स के आने के बाद में मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया, अगेन प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे की दिशा में आया और जब इसने यहां से एक लोअर हाई लगाया हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और जो मेरा स्टॉप लॉस लगा वो 835 की रेंज के थोड़ा सा अंदर, या मान के चल सकते हो इस रेंज के पास में स्टॉप लॉस हमारा लगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक में जा करके, जो स्टॉप लॉस मेरा लगा है मार्केट प्राइस उसको कैंसिल कर दे, उसको कॉपी करते हैं 834.35 ये स्टॉप लॉस था, और ऊपर की जो रेड वाली लाइन है उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्लियर। ये मेरा सुपर रेजिस्टेंस एरिया है। अब जब प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिरा तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखनी है, अगर हमें प्राइस के अंदर एंट्री लेनी है तो हम किस तरह से क्या देखेंगे कि हमको जो एंट्री वो एक सही पोजीशन पर मिले। काफ़ी बार हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, एंट्री भी लेनी, स्टॉप लॉस भी लगाना, टारगेट्स भी लगाना, तो प्राइस के कुछ सिग्निफिकेशन आपको देखने होंगे। 830.50 हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए प्राइस ने क्या किया, वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसके अंदर। प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ आया अब, और ये जो रिएक्शन कैंडल थी यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, भले ही कम थे लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आई थी इसके अंदर, और प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट हुआ है तो इसको यहाँ से क्या करना चाहिए, ऊपर की दिशा में निकल जाना चाहिए, लेकिन प्राइस जैसे ही अपने सुपर रेजिस्टेंस लेवल से टकराता है इसके अंदर फिर से देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस मेरा नीचे। इसने अपने जितने भी लोस थे उनको तोड़ा, जिस कैंडल का वॉल्यूम हम आपसे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए उसका टाइम 9:55 की कैंडल है। प्राइस ने एक नया स्विंग लगाया और अपने 9:55 की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। यहाँ से प्राइस का इंडिकेशन समझ रहे हैं, यहाँ से प्राइस अपने लोज को ब्रेक कर रहा है और हाईज को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब अगेन जब प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया तो देखिए इसने अगेन अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया और डाउन साइड की तरफ गिर गया। हमने क्या किया सिंपली 830.50 यहाँ पर आकर के हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। इस रेंज पर देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ पर ये कंसोलिडेट होने लग गई थी, इस लेवल पर जैसे ही कंसोलिडेट होने इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ब्लैक वाली लाइन को हम लोग कर देते हैं डिलीट। 830.50 ये मेरा एंट्री का पॉइंट बना और स्टॉप लॉस के लिए अब ये रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग डिलीट करते हैं 834.35 ये लेवल बना। अब बारी आती है टारगेट की। टारगेट्स के लिए सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया है, 810 मेरा राउंड फिगर था, राउंड नंबर कि 810 पर हमें अपने टारगेट्स को बुक करना है। 810 को एग्जैक्ट ना रखते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने बढ़ाया और 811 कुछ पैसे पर हमने यहाँ पर अपनी कोशिश की थी कि हम टारगेट्स को बुक करेंगे। देखिए एक्चुअल जो टारगेट्स हमने यहाँ पर बुक किए हैं क्योंकि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज थी, तो 816 के आसपास मान के चलेगा कि हमने अपने टारगेट्स को बुक किया था, 816.65 और 816, तो 816.50 रख देते हैं। 816.50 पर जितने भी टारगेट्स थे उनको सबको हमने बुक किया था, लेकिन जो एक्चुअल हमारा टारगेट था वो 811 का लेवल था। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए जैसे पिछले 3 दिन से, अभी 3-4 दिन तो लगभग छुट्टी ही थी, ऑफ था, लेकिन उस बीच भी हमने जो वीडियोज़ अपलोड की या कुछ भी कंटेंट जो हमें आप लोगों तक शेयर करने होते वो अपने टेलीग्राम चैनल से हम शेयर कर देते हैं। कल के दिन भी जैसे हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था लेकिन लेवल्स हमने कुछ आप लोगों को शेयर कर दिए थे। इन बातों के पीछे का सेंस ये है कि हम YouTube पर रोज़ अवेलेबल नहीं हो सकते, जिससे कि अपने ट्रेड्स के अपने लेवल्स को अपडेट हम कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग में आपको वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स के लेवल मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पर अपना टारगेट लगा रखा था 810, थोड़ा सा बफर देकर किसको 811 तक रखा। अब क्योंकि देखिए मार्केट पूरी तरह से साइडवेज थी, डाउन साइड की तरफ आई है और आ जाने के बाद में देखिए वापस ही ऊपर चली गई और अगेन फिर जब ये नीचे गिरने लगे, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, 3 लगभग बज चुके थे, यहाँ पर देखिए 3 बजे की ये कैंडल थी, ये 816 के आसपास जो रेंज आई थी, तो 816.50 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 816.50 पर हमने अपने जितने भी टारगेट्स थे सारे के सारे बुक कर लिए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम्स इसके अंदर एक के बाद एक अच्छी अच्छी वॉल्यूम आने लगती थी। अब जिस भी कैंडल के अंदर, फिलहाल ये अलग चैप्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने आकर के अपने जितने भी टारगेट्स थे उनको सबको बुक कर लिया। ओवरऑल आज का एक जो ट्रेड था हमारा एक अच्छा ट्रेड था, और बेसिक चीज़ जो आज के ट्रेड से हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है आज ये हर बार, हमेशा हम आपसे बोलते हैं कि एक बार अगर आपने एंट्री ले ली है
तो या तो टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस इससे पहले और इसके बाद में मत निकलिए। अपने टारगेट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। परफेक्ट। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपने कल के ट्रेडिंग सेशन में, और कोई अच्छा सा ट्रेड अगर हमें मिलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर हम उसको शेयर करेंगे। तो भाई अपने सेकंड और इस लास्ट पार्ट में ड्यूरिंग द ट्रेड जो वीडियोस क्लिप हमने रिकॉर्ड की थी उसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप उसको देख सकते हैं एंड वी विल मीट अगेन।